शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, विशाल पटेल के साथ खबर सनसी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। ले चलते हैं आपको ताजा तरीन खबरों की ओर। जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली देहात में बीती रात पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में गोलीबारी, एक की मौत हो गई जबकि दो लोग घायल हो गए। गोलीबारी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दूसरे पक्ष के तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा छानबीन में पता चला मृतक अपने भाई और गांव के एक ही हत्या के मामले में जेल जा चुका है। मृतक का गांव के एक पक्ष से काफी समय से रंजिश को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद में कल एक पक्ष के युवक की गोलीबारी की मौत हो गई जबकि दो लोग। क्या नाम है सर आपका? चुप रहो। क्या नाम है आपका? धर्मवीर। क्या मामला था ये? मामला क्या था? बस जंगल से आ रहे थे जी, आते ही उन्हें घेर लिया। कौन आ रहा था? गजेंद्र। गजेंद्र मेरे साथ था जी। मैं थोड़ा सा पीछे फांस ले सका जी। चार थे, चारों में एकदम घेर लिया चारों तरफ। किन्होंने घेरा आपको? किन्होंने घेरा? नृपेंद्र जी, मनोज जी, राजकुमार जी। फिर आपके साथ क्या किया? मैं तो जैसे ही मैंने देख लिया भाई सब तो मरना यही है, तो भैया मेरे पे बट मार दी। मैं तो हंसा। गोली किन की लगी है और किन की मृत्यु हुई है? गजेंद्र की जी। तो आप क्या चाहते हैं भैया? अभी तो चाहेंगे कोतवाली देहात के ग्राम पमड़ावली में एक व्यक्ति गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्या मामला है? ग्राम पमड़ावली जो थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर के अंतर्गत आता है, उसमें कल रात 11 बजे काफी से बड़ी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। फायरिंग जांच कर रही है।